जल जंगल और जमीन की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी का आज 5 जून को जन्मदिन है। संयोग से आज ही विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। अमूमन पहले से घोषित किसी खास दिन और किसी के जन्मदिन में संबंध अपवाद ही होता है। अपने पर्यावरण प्रेम के नाते योगी जी इस मामले में अपवाद ही हैं। गिरीश पांडे का गोरखपुर न्यूज़ के लिए स्पेशल स्टोरी प्रस्तुत है। पर्यावरण से योगी जी का यह प्रेम पुराना है। प्राकृतिक रूप से बेहद संपन्न देवभूमि उत्तराखंड से ताल्लुक होने से प्रकृति से प्रेम उनको विरासत में मिला है। यह दिखता भी है। गोरखपुर स्थित 50 एकड़ से विस्तृत गोरखनाथ मंदिर परिसर की हरियाली, वर्मी कंपोस्ट की इकाई, जल संरक्षण के लिए बने आधुनिक टैंक, पॉलीथीन मुक्त हरियाली से लकदक साफ सुथरे परिसर और चढ़ावे के फूलों से बनने वाली अगरबत्ती की इकाई के रूप में मुख्यमंत्री बनने के बाद पर्यावरण के प्रति यह प्रेम और प्रतिबद्धता और भी व्यापक रूप में दिखती है। अपने पहले कार्यकाल में प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए हर साल रिकॉर्ड पौधारोपण के रूप में 100 करोड़ से अधिक का पौधारोपण हुआ। इसका नतीजा भी सामने है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.23% हिस्से में वनावरण है। 2013 में यह 8.82% था। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक सरकार ने इस रकबे को बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए योगी सरकार 2.0 ने अगले 5 साल में 175 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अगले 5 साल में 175 करोड़ पौधे लगेंगे। इस वर्ष का लक्ष्य 35 करोड़ पौधारोपण का है। इसी वजह से सरकार ने योगी सरकार 1.0 से ही वर्षा काल में सघन पौधारोपण करा रही है। साल दर साल की प्रगति देखें तो लक्ष्य बड़ा है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग पौधारोपण से जुड़ें, यह जन आंदोलन बने। नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, पंचवटी, गंगावन, अमृतवन जैसी योजनाओं के पीछे यही मकसद है। बरगद, पीपल, पाकड़, नीम, बेल, आंवला, आम, कटहल और सहजन जैसे देशज पौधों को वरीयता मिलेगी। सरकार की मंशा है कि वर्षा काल में जो पौधारोपण हो वह संबंधित क्षेत्र के एग्रो क्लाइमेट जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार हो। अलग अलग जिलों के लिए चिन्हित 29 प्रजाति और 943 विरासत वृक्षों को केंद्र में रखकर पौधारोपण का अभियान चलेगा। इसमें राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के साथ देशज पौधे पीपल, पाकड़, नीम, बेल, आंवला, आम, कटहल और सहजन जैसे औषधीय पौधों को वरीयता दी जाएगी। वन विभाग सहित 27 विभाग मिलकर मिशन 35 करोड़ पौधारोपण को सफल बनाएंगे। हालांकि पौधारोपण की नोडल एजेंसी वन विभाग है, लेकिन पौधारोपण के महाअभियान में वन विभाग के अलावा 26 अन्य विभाग भाग लेंगे। हर विभाग का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है। इस क्रम में सर्वाधिक 12.60 करोड़ और 12.32 करोड़ का लक्ष्य क्रमशः वन एवं ग्राम्य विकास विभाग का है। इसके अलावा कृषि विभाग और उद्यान विभाग का लक्ष्य क्रमशः 2.35 करोड़ एवं 1.55 करोड़ पौधारोपण का है। इस अभियान को सफल बनाने में पर्यावरण सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पर्यावरण सेनानी में कृषक एवं प्रधानमंत्री सम्मान के लाभार्थी, गंगा प्रहरी, सशक्त बल महिलाएं, दिव्यांग, कम आय समूह, दृष्टिबाधित, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्तरीय एवं नगर विकास कर्मी, वन कर्मी, आदिवासी, वनवासी, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लाभार्थी, शिक्षक, विद्यार्थी और महिलाएं शामिल हैं।